हर मनुष्य को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। गृहस्थी में प्रवेश क्यों किए, विरक्ति मार्ग में क्यों आए, ये सब का उद्देश्य क्या है और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। ऐसे ही कुछ करते जाना बिना उद्देश्य के, यहाँ से हम उठेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा अपने कक्ष में जाएं, और ये उद्देश्य नहीं है तो चार कदम इधर जाएंगे, चार कदम उधर जाएंगे, कहीं नहीं पहुँचेंगे। सुस्थिर उद्देश्य बिना जीवन में रचनात्मक कार्य नहीं होता है। अब आदमी को जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो पहले हमें मूल बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य पहचानना है, बनाना नहीं, निर्धारित नहीं करना है। जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, बिल्कुल खुलासा है, पहचानना है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, प्राण मात्र दुख नहीं चाहते हैं। मनुष्य क्यों दुख चाहेगा? दुख का मिट जाना जीवन का उद्देश्य है, दुखी न होना जीवन का उद्देश्य है। दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं सुखी रहना जीवन का उद्देश्य, और इसी को आप कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य। प्राप्त कुछ होता नहीं है, ये महाभ्रम है कि कुछ प्राप्त होगा। प्राप्त भौतिक वस्तुएं होती हैं और खो जाती है। संतो आवे जाए सो माया, माया की परिभाषा छोटे वाक्य में, संतो आवे जाए सो माया। इसमें जो संस्मरण आ जाता है सन 1969 का, काशी में मेरा प्रकाशन चल रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी से बातचीत हुई, बड़े मस्त मौला, उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी। बात करते थे तो हिंदी, इंग्लिश और देहाती भाषा और संस्कृत, ये मिला के बोलते थे। तो उन्होंने कहा कबीर साहब ने तो माया की परिभाषा कर दी है, संतो आवे जाए सो माया, इससे अधिक साफ और क्या हो सकता है। जो आवे और जाए, मिले और बिछुड़े, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। परमात्मा ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्त होगा तो छूट जाएगा, वस्तुतः वो छूटा ही नहीं है, वो हमसे भिन्न नहीं है। हमने कूड़ा कबाड़ लाद लिया है, बस कूड़ा कबाड़ को बुहार के फेंक देना है। सब कूड़ा जब निकल जाएगा तो शेष रह जाएगा ब्रह्म, राम, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण। पारमार्थिक शब्दों की लंबी सूची बना लीजिए, उस सूची के समस्त नाम इसी में चरितार्थ होंगे। जीवन का उद्देश्य दुखहीन हो करके जीना है,
परम सुख में जीना है, ये जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य निर्धारित है अपने आप, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, क्योंकि कोई जीव सुख दुख नहीं चाहता, अनंत और निर्भय सुख चाहता है। लेकिन ये कब होता है? दृष्टि हमारी धूमिल है, अविद्याग्रस्त है, इसलिए सब समय इंद्रियों से प्रतीतमान जो कुछ है उसी में हम उस सुख की आशा करते हैं जो निर्भय है, सुस्थिर है, अनपायनी है, अच्छे है। और यही भ्रम हमें खाता है। मिलने वाली सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं, जो आज है कल नहीं रहेगा। कठ उपनिषद में जब नचकेता ने यमाचार्य से पूछा, यमाचार्य यानी यम नाम के प्रोफेसर से पूछा कि महाराज मर जाने के बाद आत्मा रहता है? कुछ लोग कहते रहता है, कुछ लोग कहते नहीं रहता है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके अस्ति इति एक है। एक कहता है रहता है, नायम अस्तित्व चाहे एक है। दूसरा कहता है कुछ नहीं रहता है। दो धारणाएं मुझे आप बताइए। यमाचार्य ने कहा ये प्रश्न मत पूछो, ये बहुत गूढ़ है, देवता लोग भी इसका हल नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं हल कर पाते हैं, इसको मत पूछो। मैं तुम्हें 100 वर्ष की जिंदगी दे दूं, सुंदरी युवतियां दे दूं, और ऐसे ऐसे बच्चे तुम्हारे हों जो 100-100 वर्ष जिए। पौराणिक नशा उस समय नहीं था कि 1,000,000,000,000,000,000,000 वर्ष जिए। पुराणों में तो बड़ी ढिठाई की गई है। राजा प्रीवर्त 11,000,000,000,000 वर्ष राज करते रहे। ये ढिठाई वेदों और उपनिषदों में नहीं। 100 वर्ष जीने के लिए कहा, 100-100 वर्ष जिए ऐसे पुत्र दे दूं, रथ हाथी घोड़े पालकी समस्त ऐश्वर्य बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दे दूं, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा महाराज जिनके नाम आपने गिनाए हैं स्वभावा, ये स्वभावा स्व अभाव, स्व नाम कल, स्व अभाव कल नहीं रहेंगे, स्वभावा। संस्कृत में स्व कहते हैं कल को, तालब्बी स का आधा हुआ, और अभावा स्वभावा, स्व कल अभाव नहीं रहेगा, जो आज है कल नहीं रहेगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपने बचपन की चीज़ों की याद करें, वो सब कहाँ? मैं तो पिछले जीवन की याद करता हूँ, बिना कुछ सोचे समझे ही समाधि लग जाती है, जिसमें मैं रहा, खेला, खाया, बड़ा हुआ, उस बात कुछ नहीं। साधु मार्ग में आया, इतने दिनों से गुरु जी के पास, संतों के पास रहा, भक्तों यहाँ जा जा के रहा, कहाँ कहाँ रहा, वो सब कुछ नहीं। आज जो है ऐसे ही लुप्त होने वाला है। वर्तमान में हम अपने को छलाएं न, धोखा न दें। वर्तमान का संग दोष हमें छलता है,
वो क्या छलेगा बेचारा, हमारा कमजोर मन, हम स्वयं अपने को धोखा देते हैं, लगता है मेरा है। देखो ये बीजक मंदिर बना है, इसका नाम रखा गया बीजक मंदिर, क्योंकि बीजक का विचार इसमें होगा। मैं मानूं कि ये मेरा है तो झूठा है, ये मेरा मानना झूठा है। सबके हित के लिए बन गया, जो रहें काम करें, बुरिया बिस्तर हर समय बांधे रहें, एक क्षण का विश्वास किसी का कुछ नहीं। और ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हमारे चारों तरफ कबाड़ है, जो हम मानते उपलब्धि वो कबाड़ है, हमारा हीरा मोती धन अपना आपा है, आत्मा है। और उस आत्मा में विश्राम परम पद की प्राप्ति, राज्य सुख क्षणिक है, शासन सुख क्षणिक है, गुरुवाई का सुख क्षणिक है। क्यों गृहस्थ हुए? क्योंकि हिम्मत नहीं थी कि अविवाहित होकर रहें और साधना में रहें, हिम्मत नहीं थी, इसलिए विवाहित हुए, अच्छा किए। न विवाहित होते प्रदूषण फैलाते तो ये बहुत बुरा होता। संयम के लिए विवाह आपने किया, ये संयमित जीवन रहे। बाल बच्चे हुए, घर द्वार बनाना पड़ा, धंधा नौकरी खेती बाड़ी कुछ गुजर के लिए करना हुआ, ये सब उद्देश्य नहीं है, ये सब मजबूरियां। अपने को संयमित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए विवाह किए, वो जरूरी था। विवाह कर लिए, देख लिए उसका आनंद एक बार दो बार अनेक बार, अब उसका विश्लेषण कीजिए, क्या फायदा है। गृहस्थ के लिए संतान चाहिए, संतान के लिए उसमें उतरना थोड़े ठीक है, बाकी फिर क्यों, क्या पाते हैं? आदत बनती है खराब, उत्तेजना होती है, छीणता होती, मलिनता होती, पछतावा होता है, फिर वही फिर वही फिर वही। एक बार ठगावे बावनवीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे, एवत क्षेत्र में कहावत कहते हैं। कब तक गप्पूनाथ बने रहोगे? संभालो अपने को, इंद्रियों को उत्तेजित करते रहना वो देश नहीं है, ये तो बहुत बहुत हानि है। शरीर को दुर्बल बनाओ, मन को दुर्बल बनाओ, वासनाओं को मजबूत करो, तृष्णा में बहो, उलझो, विश्लेषण करो, उसका संयम करो, त्याग करो, संभालो अपने को। बाल बच्चे हैं पारो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा दीक्षा दो, लेकिन अहंकार न गांठो, सारा दुख वहीं से पैदा होना है। सेवा करो, उनसे कुछ चाहो ना, पीड़ा वहीं से मिलना है। क्यों पीड़ा मिलती? हमारे अहंकार के कारण। हम सेवा करें वो भी एक मजबूरी, निमंत्रित कर लिए हैं आप, आपके घर में पैदा हो गए, पैदा होने के साथ फिर उनका जोड़ा भी बनाया गया, कहीं से लड़की लाई गई, अपनी लड़की है तो बाहर भेजा गया, उसका बोझा तो उतर गया, लेकिन लड़का है तो उसके लिए लड़की लाई गई, बोझा और बढ़ा। ये सब कुछ संभालना है, निरहंकार होकर, निष्काम होकर। जितना अहंकार करोगे कूटे जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बहू, मैंने सब किया,
और मेरे हिस्से तन के रहते हैं, ये सदैव तकलीफ देगी ये भावना। सेवा करना है, विनम्र होकर रहना है, जैसे वो करे। बहुत बहुत मधुर कहानी है। एक कमरे में पति पत्नी थे, दोनों लड़ रहे थे। पत्नी ने कहा, अगर मैं जानती तुम ऐसे हो तो मैं अपनी शादी तुम्हारे साथ न कर दी। उसने कहा, मैं तुम्हें जानती तो छाया न छूती। दूसरे कमरे में उनके छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। हे पिताजी, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे बिना हम लोगों से पूछे आपने शादी की ही गलती की। तो बच्चे तो अब बच्चों से आप नहीं पूछोगे तो कान उखाड़े जाएंगे। बच्चे आपसे न पूछे कोई हर्ज नहीं, बच्चे कुछ करें वह आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप बच्चे से न पूछो तो कुशल नहीं। जो हमने सृष्टि बनाई है उस सृष्टि का अहंकार हमें छोड़ देना है, सेवा करना है, तो दुख नहीं होगा। गृहस्थी चलाना आपका उद्देश्य नहीं है। खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाएं, परिवार पोसें, जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये मजबूरियां। गृहस्थी बनाए, अपना भी खाना है, उनको भी खिलाना है, अतिथि की सेवा करना है, अनेक जिम्मेदारियां हैं, इसलिए श्रम करना चाहिए। श्रम अच्छा है। और जो इकट्ठे हो गए हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार करना, अहंकार नहीं करना है, और अपने मुख्य उद्देश्य को देखना है, दुख रहित जीवन, वो बचा रह जाता है। उद्देश्य परख ही में नहीं, हर समय हम चाहते हैं दुखहीन जीवन जिए, ऐसा जीवन हमारा हो जिसमें दुख नाम की चीज न हो, केवल सुख शांति निर्भयता, यही हम चाहते हैं, लेकिन परख नहीं, उद्देश्य का पता ही नहीं, जी रहे हैं, रेंग रेंग के जी रहे हैं। चपरासी जी रहा है, बड़ा अफसर जी रहा है, अनपढ़ जी रहा है, बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित विद्वान प्रोफेसर जी रहे हैं, कई विषय किए में हैं, रास्ते में चलते हैं, मन कहीं रहता है। हाथ की व्यंजना, चेहरे की व्यंजना कुछ होती रहती है, मन ही मन में धुने हैं, प्रोफेसर हैं, मनोविज्ञान के भी प्रोफेसर हैं, और मन में उलझे, ये बाहर का टीम टाम कुछ करता नहीं। गृहस्थी चलाना आपका उद्देश्य नहीं, मजबूरी है, उसको चलाइए, असली उद्देश्य को समझिए। हम लोग घर छोड़ के साधु हो गए, गुरु की शरण में आ गए, आश्रम में हो गए, मोटे दोस्त सहज ही छूट जाते हैं। जीवन संक्षिप्त हो जाता है, जीवन का व्यवहार, यहाँ इतने साधु हैं, किसी को न लड़के की चिंता है, न लड़की की चिंता है, न घर द्वार की चिंता है, बस खाएं पिए, भजन करें, सेवा करें, कोई चिंता नहीं। मोटे दोस्त यहाँ होने कोई बातें नहीं, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो गया। अधिकतम साधु इसी में रुक जाते हैं, सदाचारी हैं, मोटे दुर्गुण नहीं हैं, शांति से जीवन जी रहे हैं, पूजा पाठ सत्संग कितनी जगह, तो ये सब भी कुछ नहीं, केवल वेश है। लेकिन जहाँ ये सब है, पूजा पाठ सत्संग, उसमें चल रहे हैं, काम पूरा है। अब इसी में फिर कला, बड़ा बनने की कला, कुछ पाने की कला, दूसरा हमें बड़ा माने,
दूसरे ने हमें क्यों कह दिया, वही कला यहाँ शुरू होगा जो गृहस्थी में है। जब तक आगे न बढ़ोगे, सदाचारी रहोगे, अच्छे आदमी रहोगे, मन क्लेश रहित नहीं होगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य स्थिर होना चाहिए सामने, वो स्थिर नहीं रहता। साधु हो गए, बाबा हो गए, कितने लोग इतने बदहवास हो जाते हैं, गुरु हो गए, महंत हो गए, कृतार्थ हो गए। वैसे गुरु शब्द बहुत गंभीर है, गुरु गरिष्ठ श्रेष्ठ, जो निष्काम दशा में स्थित हो गया वो गुरु है। एक दीक्षा किसी को न दे जीवन में, किसी को शिष्य न बनाए, वही गुरु है जो निष्काम हो गया। आप सुखी, दूसर सुखी, सद्गुरु कहिए ताहे, ये रामराज साहेब ने पंचग्रंथी में कहा। सद्गुरु किसे कहना चाहिए, जो स्वयं सुखी है और दूसरे को सुख देता है वो सद्गुरु है। सुख तो कोई किसी क्या देगा, सत्पात्र लोग उससे सुख पाते हैं। गुरु किसी को सुख दे नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है कि दे दे उसके हाथ में, भावनात्मक पक्ष है। जो उसकी भावना ठीक हो, गुरु को समझ पाए, उसके गुण को समझ पाए, तब वो लाभ लेता है। जो नहीं समझ पाते हैं, साथ में रहते हैं, नहीं लाभ ले पाते हैं। इतिहास सिद्ध बात है, कृतार्थ आत्माओं के पास रहने वालों में कई लोग बिल्कुल उनको नहीं समझ पाए जीवन भर, क्योंकि जो प्रक्रिया जीवन की होनी चाहिए उनकी नहीं रही। तो गुरु सुख क्या देगा, जब शिष्य सत्पात्र होगा, समझ पाएगा, तो निश्चित है उसको सुख मिलेगा। आप सुखी, दूसर सुखी, सद्गुरु कहिए ताहे, स्वयं सुखी है और दूसरे को सुख देता है वो सद्गुरु है। शीतल, निष्काम, निर्माण, पूर्ण अवस्था, ये गुरुपद है। दूसरा गुरुपद है व्यावहारिक, दीक्षा देना, गृहस्थों को दीक्षा दे करके छुट्टी मिल जाती है, दीक्षा दिए चल दिए। जो घर द्वार छोड़ के आते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको निभाना, उनके शरीर को देखना, मन को देखना। लोग कहते हैं कि शिष्य को चाहिए गुरु को अर्पित हो जाए, होना ही चाहिए, लेकिन गुरु को तो और अर्पित होना पड़ता है। शिष्य कोई त्रुटि कर दे तो क्षम्य, गुरु त्रुटि करे तो क्षम्य नहीं। ये आशा तो नहीं की जा सकती है कि गुरु भी त्रुटि करेगा, अगर गुरु त्रुटि करता तो कौन सा गुरु है। शिष्य अभी परिपक्व नहीं तो त्रुटि कर सकता है, जानबूझ करके जो त्रुटि करता है वो तो गलत है, लेकिन त्रुटि हो जाती है, क्षम्य है। गुरु त्रुटि करे ये क्षम्य नहीं है। जितने लड़के यहाँ आते हैं इसी अनुसार आप पूरी दुनिया में विरक्त मंडली को समझ सकते हैं। जितने लड़के यहाँ आते हैं वे सब माँ बाप, घर द्वार, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के आते हैं, नंगा शरीर लेके आते हैं, शरीर पर कपड़ा रहता है बस। और कितना उनको आशा विश्वास है गुरु पर, अगर गुरु की हिम्मत न हो तो जवाब दे दे, उनको रख ले और निभाए ना, ये ठीक नहीं। गुरु को और अर्पित होना पड़ता है। दो जहां दो व्यक्तियों का संबंध है, दोनों तरफ से समर्पण। पत्नी समर्पित हो जाए पति को, पति को देवता माने, बहुत दिनों से कहा जा रहा है। और पति के लिए छूट है कोई बात नहीं, वो तो राजा देवता बन करके बैठा रहा है, पैर धुलवावे बस। पत्नी मर गई
उसका क्रियाकर्म करने के बाद तुरंत शादी रचा ले, और पति मर जाए तो पत्नी विधवा बनकर के बैठी रहे। एकांगी निर्णय, कोई का पति मर गया अगर वो साधना करना चाहती बहुत बढ़िया है, जो शादी न करना चाहे शादी ही न करे, शादी में कौन फायदा है झंझट के सिवा। पति मर गया शादी न करे अच्छा है, लेकिन पत्नी मर जाए पुरुष क्यों शादी करे, उसको भी चाहिए साधना से रहे। एकांगी निर्णय काफी दिया गया है। हम तो वेदों के ऋषियों को धन्यवाद देते हैं, वे इन सब बातों में एकांगी निर्णय नहीं देते हैं। पति पत्नी दोनों मित्र हैं, दोनों दोनों को समर्पित हो, समर्पित वासना भोग के लिए नहीं, उसको तो जितना कम करें घटाएं ठीक है, व्यवहार चलाने के लिए, मधुरता के लिए। इसी प्रकार गुरु शिष्य का संबंध भी है, शिष्य समर्पित हो गुरु भी समर्पित हो, दोनों दोनों को निभाएं, दोनों सहयोग से चलें, साधना से चलें, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो गुरुवाई एक व्यवहारिक पक्ष है, वो कृतार्थ अवस्था नहीं है, बल्कि अगर अपनी कमजोरी है और गुरुवाई की जा रही है तो उलझन है और बंधन है, चेलों से लड़ेगा, गृहस्थों से भी लड़ेगा, गृहस्थ को जितना चाहिए था उतना नहीं दिया, ये भगत लोग समझदार नहीं है, जितनी हमारी योग्यता है समझ ही नहीं पा रहे हैं, सब जगह लड़ेगा। पूर्ण निष्काम हो करके गुरुवाई का व्यवहार लेना चाहिए, जिससे कि वो लड़े ना, शांत रहे। अगर शिष्य लड़ जाए तो क्षमा कर दे। तो गुरु की जिम्मेदारी और हो जाती है। मैं कह रहा था क्यों यहाँ लोग आए विरक्त हो करके, बस सदाचार मात्र का पालन करें हो गया? सदाचार मात्र का पालन करेंगे व्यवहार भी है, व्यवहार को लेकर के उनके मन में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होगा। अगर उस साधना की ऊंचाई पर नहीं चढ़ते हैं तो सामान्य सदाचार उनका उद्धार कर नहीं पाएगा, सदाचारी रहेंगे लेकिन पर निंदा करेंगे, सदाचारी रहेंगे ईर्ष्या करेंगे, सदाचारी रहेंगे बिना दोष के दोष की कल्पना करेंगे, सदाचारी रहेंगे अगुवाई की इच्छा करेंगे, हम बड़े माने जाएं, श्रेष्ठ माने जाएं, हमें मानती मिले, गद्दी मिले, गुरुवाई मिले, फिर वही रास्ता नरक का रास्ता फिर आ गया। गए घूमे साधु हुए आश्रम में रहे, सदाचारी भी रहे प्रवक्ता भी रहे ज्ञानी भी रहे, लेकिन फिर नरक में आ गए, जहाँ ये सब कामना हुई नरक हो गया। ये सब जगहें सेवा की, जो अपने को स्वस्थ कर ले दूसरे की सेवा करे गुरुवाई करके, वो अलग विषय हुआ, और कामना होना गुरुवाई मिले ये नरक है। समाज की सेवा करना है, मानती पद जहाँ चलती महंत कह दिया, कुछ कहना पड़ता है कोई बात नहीं, सेवा करना, महंती मिले ये कामना फिर नरक हो गए। ठाकुर काजर ठाकुर कारिक, आँखों में लगे तो उसका नाम है कज्जल और गाल में लगे तो कालिक। सेवा भाव से करें तो ही कल्याण प्रद है, कामना से करें वही बंधन प्रद है। आदमी सेवा करता है तो मच जाता है, कोई साधक ये सोचे मैं अलग थलग बैठ जाऊं
तो झंझट नहीं रहेगी। बैठ करके देखें, भटकने के सिवा कुछ नहीं होगा। संतों की शरण में रह करके ही जीवन मजेगा। गंगोत्री से पत्थर टूट करके चलते हैं और एक दूसरे से टकराते टकराते जो पक्के पत्थर होते हैं वो चिकने हो जाते हैं, जो कच्चे होते हैं वो रेत हो जाते हैं। संतों की संगत में टकराते टकराते घिसते घिसते पक्के लोग चिकने हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। कच्चे लोग चूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं। गृहस्थी में रहकर जो गृहस्थी में हैं घबरा जाए, पत्नी को छोड़ दें। किसी को वैराग लगे, पत्नी छोड़ दे, पति छोड़ दे, वो अलग दशा है। लेकिन कलह के नाते छोड़ दिए, नहीं सह पाए, तो जहाँ रहेगा क्या आकाश में रहेगा? वहाँ भी सहना पड़ेगा। इसलिए जहाँ हैं वहीं सहें और आपस में मिलजुल करके समझने की चेष्टा करें। पत्नी के प्रति संदेह कुछ है तो उसी से बात करें, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, भाई के प्रति कुछ संदेह है तो उसी से बात करें, विनम्र होके करें। तनाव से करेंगे तो खराब होगा। सरल बन जाओ पहले स्वयं, बाल हृदय, और फिर बात करो, समाधान झट से मिलेगा। मन में तूदा बांधे रहोगे, अलग थलग, बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, क्योंकि पत्नी ठीक ठाक नहीं, उसकी रुचि अच्छी नहीं, बोलना नहीं उससे। जितना ऐसा सोचोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। बच्चे से नहीं बोलना है, जितना नहीं बोलोगे उतना खराब होगा। सरल बन जाओ, बच्चे की तरह ही आप बन जाओ, और बच्चे को बैठा के बात करो, वो भी सरल हो जाएगा और समस्या खत्म। लेकिन ये गुण लोग समझते नहीं। कला कला कला, तनावग्रस्त, कहीं चले जाएंगे तो ठीक, कहाँ चले जाओगे? एक सज्जन घर में देखे गंदगी बहुत है, कहीं बच्चे ने टट्टी कर दिया, उसकी माँ ने देर तक नहीं उठाया, कहीं कोई थूक दिया, कहीं बुहारा नहीं गया है, कहीं कुछ है, चले गए शहर। शहर गए तो जिस मोहल्ले में पहुंचे बहुत गंदगी थी, वहां से लौट आए, एक बाग में गए, बाग में साफ सुथरा था, बैठे, पक्षी ने ऊपर से बीट कर दिया, वहां से वन चले गए। वन में गए, एक जगह स्वच्छ जगह बैठे, जब उनकी नज़र जमीन में गड़ी तो देखा हड्डी का चूर पड़ा छोटा छोटा। मन में बड़ी घृणा हुई, धरती पर कहीं भी शुचिता नहीं। नदी वहाँ बह रही थी, नदी में उतर गए। नदी में उतरे तो एक लाश पर पैर पड़ गया, जो सड़ी हुई लाश थी, उनका जीव उब गया। थल में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, जल में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, आकाश में उड़ नहीं सकते, अब मर जाना है। जंगल में थी, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, चिता बनाई, आग लगा के बैठने वाले थे, वनवासी आ गए, क्या कर रहे हो? कि शरबत दुर्गंधी है, जीने का मन नहीं है, जल मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें जलना है तो अलग जाके जलो, यहाँ जलो कितने गंदा होगे। कहे यार राम, जीवन में गंदगी छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं, कम वक्त दिल के लिए कहीं भी चैन नहीं। हाँ कुसंग का त्याग चाहिए, जहाँ कुसंग है, हमारे जीवन का फल मिलने वाला नहीं है, उससे हटना बुरा नहीं, लेकिन जहाँ ठीक ठाक है वहाँ भी बिदक रहे हो, कितना बिदकोगे? गृहस्थी में क्यों आए,
मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन से हट करके रहने की हिम्मत नहीं थी, अविवाहित रहें जीवन भर ठीक रहें ये हिम्मत नहीं थी, इसलिए विवाह किए। तो विवाह करने का उद्देश्य ही है संयम, संयम से रहें। और विवाह के पीछे जो पुंगरा लगता है, लाइन लगती है, उसकी सीमा नहीं है और उसमें छुट्टी नहीं है। अभी एक भक्त का पत्र आया है मेरे पास, शिक्षा अधिकारी यानी शिक्षक काम करता है, पढ़ाता है, और रिटायरमेंट की स्थिति में है। उसको आशा थी कि बुढ़ापा में भजन ज़्यादा करूँगा। पत्र में लिखा है कि आप जो कहते हैं आप लोग सच कहते हैं, बुढ़ापा में तृष्णा और मोह ये दोनों बढ़ते हैं, जितना स्वच्छंद चित्त मेरा पहले था उतना स्वच्छंद नहीं, कुल उल्टा हो रहा है। तो कोई ये आकाशी बात नहीं है, अपनी भूल है, सावधानम नहीं। स्वाध्याय साधना सत्संग में जैसे लगना चाहिए ये सब नहीं है, उसका फल है। कोई लगेगा उन्नत करेगा। तो विवाह के बाद जो लाइन लगी पीछे वो हनुमान की पूंछ है, वो खत्म होने वाली नहीं। सावधानी से बरतना है और अपने को निकाल लेना है उसके अहंकार ममकार से, गृहस्थी में रह करके गृहस्थी को जीते, साधना संयम द्वारा अपने आत्मा को ऊपर उठाए। विरक्ति मार्ग में जो आए हैं वे सामान्य सदाचार जीवन के उद्देश्य की पूर्ति न समझ लें, और यहां आकर के फिर वो व्यवहार वाली बात को लेकर के कालुष्य न पैदा करें। सामान्य सदाचार में रुकेंगे तो कालुष्य पैदा होगा, जब साधना करेंगे तब कालुष्य नहीं होगा। जो साधक है उसको तो एक एक बात खटकती है, मेरे मुख से किसी के लिए निकल गया तो फिर ऐसा नहीं निकलेगा, मैं किसकी बुराई करूं, किसकी निंदा करूं, कट निकल जाए तो अपने को चोट लगती है। अब ऐसा कट नहीं निकलेगा, किस चीज में मैं अपने को जोड़ूं, शरीर जब अपना नहीं है कौन सी वस्तु में जोड़ूं, गुरुवाई में जोड़ूं, महंती में जोड़ूं, पुजापा में जोड़ूं, मैं लेखक हूं कवि हूं, सेवा शरीर से ठीक है हो रही है, आजकल में जब मेरा शरीर छूट जाएगा मेरे लेखक होने क्या पता मुझे होगा। मेरी किताबों से लाखों लोग लाभ लेते रहें और बहुत दिनों तक लेते रहें, मुझसे क्या उससे मतलब होगा। किसी चीज में अपने को जोड़ना कैसे संभव है अगर कोई साधना करता है तो, साधना रुक जाती है। सामान्य सदाचार में संतोष हो जाता है, मठ है, हम लोग हैं, खाते हैं पीते हैं भजन करते हैं, समाज की जो बन सकती सेवा करते हैं, रुक गए, आगे साधना चिंतन नहीं है तो निश्चित है हमारे मन में कलह शुरू होगा, विकार शुरू होगा, मलिनता शुरू होगी, उस समाज के लिए भी नुकसान करेगी, अब अपने आप के लिए तो विनाश ही है। लेकिन अगर कोई साधना में रहता है तो विकार आएगा ही नहीं, कुछ कामना ही नहीं है, सेवा केवल है। कोई हमें कुछ कह दिया और ज़्यादा कहना चाहिए, कम कहा है, हम तो बहुत थर्ड क्लास के आत्मे हैं, और उसको कहना चाहिए। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी चार, बिजली अगर समुद्र में गिरे किसको जलाएगी, अपने आप बुझ जाएगी। शीतल मन हो गया कौन तकलीफ देगा, इस दुनिया में किसकी हस्ती है जो मुझे तकलीफ दे दे। तकलीफ तो मेरा कालिख देता है, मेरा मैल देता है,
मेरी विद्या, मेरा ज्ञान, मेरा अविवेक तकलीफ देता है। जो साधनारत रहता है वो इस तथ्य को समझता है और अपनी उद्देश्य की तरफ निरंतर गतिशील होता जाता है, उसमें भ्रम नहीं होता है, भटकाव नहीं होता है। वो देखते हुए मानो नहीं देखता है, जानते हुए नहीं जानता है, प्राप्त करते हुए नहीं प्राप्त करता है, ये सब दिखाई देता है, ये सब दिखाई सो जाता हूँ तब नहीं दिखाई देता है। जो हमारी नींद लग जाती है तो हमें पता नहीं लगता है, शरीर का पता नहीं, आश्रम का पता नहीं, प्रचार का पता नहीं, पुस्तकों का पता नहीं, कुछ पता नहीं रहता। रोज रोज ये वानगी हमें मिलती है, इससे प्रेरणा ले और एक दिन आँख ढप जाएगी सदा के लिए, सब गायब। इस शहर में मेरे 3 दिन के कार्यक्रम थे एक बार, तो हर दिन भिन्न लोग अपनी गाड़ी लेके आते थे। जो कार्यक्रम आयोजित किए थे उनसे कहे कि भाई एक ही व्यक्ति को सेवा करने का अवसर हो ऐसी बात नहीं, हम लोग अलग अलग भिन्न भिन्न दिन जाएंगे, लाएंगे और पहुंचाएंगे। तो अपनी अपनी गाड़ी भिन्न भिन्न दिन लोग लाते थे, लाए एक सज्जन, इतना ही समय करीब रहा होगा, गाड़ी पर बैठा, साथी लोग भी बैठे, चले। कहे महाराज ये बड़ा अच्छा हुआ, आपका एक अस्थाई आश्रम बन गया, ये बहुत पुराना नहीं है, 77 में बीजारोपण हुआ है, 78 में प्रीतम नगर का थोड़ा खंड बना है, तब से चला है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ आपका अस्थाई आश्रम बन गया। मैंने कहा अस्थाई आश्रम ही हमारा कहाँ है, मेरा अस्थाई आश्रम कुछ और है। वो नहीं समझ पाया, तो मैं धीरे धीरे समझाया। मैंने कहा चलो प्रवचन में पूरा समझोगे, ये अस्थाई आश्रम कहाँ, अभी यहाँ से घूमने चला जाता हूँ तो अस्थाई नहीं रहता है, और एक दिन कभी भी हमारा आश्रम नहीं रहेगा और अनंत काल के लिए नहीं रहेगा, तो अस्थाई आश्रम कहाँ हुआ। अस्थाई आश्रम, अस्थाई आनंद भवन, अस्थाई अस्थाई किला, मोक्षधाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, मेरा अपना आत्मलोक है, आत्मविश्राम है, स्वदेश, और तो फारिन है, सब फारिन, विदेश है। इंद्री मन से प्रतीतमान सब विदेश है, इंद्री मन को जहाँ विश्राम हो जाता है वो स्वदेश है। ध्यान स्वदेश में पहुँचने के लिए एक अभ्यास है। ध्यान में क्या बताया जाता है, मन को समेट लीजिए, अपने में लौट आइए, अपने में लौट आए स्वदेश पहुँच गए, सोचना बंद हो गया, चित्त विश्राम पा गया, स्वदेश पहुंच गए, और जैसे सोचना शुरू हुआ विदेश चले गए, और विदेश में कला के सिवा कुछ नहीं, बाहर देखे कला, प्रपंच, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, हानि लाभ, सब कला कला कला। स्वदेश में लौटो, विवेकवान परिपक्व अवस्था में हो करके सब समय स्वदेश में रहता है। जो संकल्पों को त्याग करके रहता है तब तो स्वदेश में रहता ही है, जब वो संकल्पवान होता है तब भी स्वदेश में रहता है। परखय रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। सदगुरु रामराज साहेब ने पंचग्रंथी में कहा, पंचग्रंथी टीका सहित यहाँ उपलब्ध है, जो चाहे देख सकते हैं, उसमें गुढ़ता भी है, सरलता भी है, सब बातें। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताय समाए। जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त साधक है, सारी अवस्थाएं उसकी परख में जाती है। परख, परख का अर्थ ही है, परख, परखने वाला उदास हो जाता है, निष्काम हो जाता है, परखा, परखने में आ जाएगा, फीका है,
संसार की वस्तुओं आप जहाँ परख पाए तहाँ वो फीकी लग जाएगी, नहीं परख पाते इसलिए रसदार लगती है। और अपनी बीती हुई घटनाओं से हम आप समझ सकते हैं, इसमें जो गृहस्थ बूढ़े बैठे हैं वे पूर्व जीवन की याद करें, जब वे दूल्हा बने थे कितना उनको रस लगा होगा, कितनी गर्माहट रही होगी, आज उसमें क्या रस है। कई लोग सोच सकते हैं जब उनको बच्चा पैदा हुआ था कितना रस लगा था, पहला लड़का हो लड़की नहीं लड़का, ये भी पक्षपात है। और ये पक्षपात केवल लड़के को नहीं लड़की को भी है, एक लड़की है महिला है लड़की ही तो है, उसको बच्चा पैदा हुआ तो जानना चाहती है दाई से साथ की स्त्रियों से कि लड़का है कि लड़की, अगर लड़की है तो वहीं सूख जाती है वो, लड़का है तो ठीक है। ये पक्षपात भारत में बहुत है, विदेश में कम है। मदर टेरेसा ने बताया था वे अनाथ बच्चों को शिशुओं को पालती हैं, पालती रही तो उन्हें कोई गोद ले ले देश विदेश का, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी गोद ले ले देती थी। वे कहती थी भारत वाले प्रायः लड़के लेते हैं, विदेश वाले लड़की भी लेते हैं, लड़की और लड़के में क्या फर्क है। तो आदमी को जो कुछ मिलता है सब खो जाने वाला है, सब विदेश है, सब विदेश है, स्वदेश आत्मस्थित है। विवेकवान हर समय इसको देखते हैं, जब वो खाते हैं पीते हैं बोलते हैं हंसते हैं नाली साफ करते हैं कोई काम करते हो वो सब समय स्वदेश में रहते हैं। परख है रूप अवस्था जाए आन विचार नता है समय, सब समय परख में रहते हैं। परखे तो फीका लगा, आप अपने शादी के दिन की याद करें आज तो फीका लगेगा, बच्चा जन्मा था बड़ा आनंद आया था, अब जवान बच्चा पास में नहीं बैठता है फीका लगेगा, सारी चीज़ें फीकी हैं। आपात रमणी हैं, आपात नाम एकाएक, एकाएक रमणी लगती हैं, रमणी है नहीं, सब गंदगी है। जितना आप परखते जाएंगे वो फीकी होती जाएगी। गीता में महाराज कृष्ण ने कहा है उदासीन वदासीनो गुड़ेरियो न विचार लेते गुड़ा वर्तन तेत्य व यो तिष्ठित नेंगते, उदासीन वदासीनो उदासीन वत आसीनो, विवेकवान उदासीन के समान आसीन रहते हैं, उदास होकर बैठे रहते हैं। सरल अर्थ हुआ गुड़ेरियो ना विचार लेते, उनको गुण विचलित नहीं कर पाते। गुण का मतलब सत रजतम, ये संसार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको गुण भी कहते हैं, ये उसको विचलित नहीं कर पाते। गुड़ेरियो ना विचार लेते गुणा वर्तन तित्तेव, गुण गुणों में वर्तते हैं यह जानकर, गुणावर्तन तित्तेव यो उत्तिष्ठित जो शांत रहता है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, हम क्यों व्याकुल हो, बाल पक रहे हैं पकने दो, चाम में सिकन आती होने दो, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। यो उत्तिष्ठित जो स्थित रहता है, निंगते न इंगते, इंगन चंचल होना कांपना थरथराना, निंगते वो कांपता नहीं है थरथराता नहीं है प्रकंपित नहीं है, प्रकंपहीन हो गया, उसका दिल घबराता नहीं परेशान नहीं। अभी एक महिला का फोन आया दिल्ली बॉम्बे से, कुछ शारीरिक रोग था उसमें काफ़ी ठीक हो गया है, मन बहुत घबराता है उसका, मैंने फोन पर काफ़ी कहा मैं मिलना चाहती हूँ आओ जब मिलोगी तो तुम्हें खूब ठीक से समझाऊंगा, साहस दिया। आदमी दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपने मन को बहुत खराब कर लेता है,
महत्व ही नहीं समझता है मन का, भोगों का महत्व है, मैथुन का महत्व है, रुपये का महत्व है, जमीन मकान का महत्व है, पद का महत्व है, प्रतिष्ठा का महत्व है, और ये जो महत्व समझेगा उसका मन नरक बनेगा। मन का महत्व है, निर्मल मन के समान कुछ नहीं। एक तरफ दुनिया का सारा ऐश्वर्य, एक तरफ निर्मल मन, तो निर्मल मन के हजारवां लाखवां हिस्सा का एक तुच्छ अंश भी दुनिया का ऐश्वर्य नहीं। लेकिन लोग दुनियादारी में पढ़ करके और साधु नामधारी भी अपने प्रपंच में पढ़ करके मन को नरक बना लेते हैं। साधु गृहस्थ दोनों के लिए बात हुई है। राम रहस्य साहब ने तो एक ही डंडे से दोनों को हांका है, दोनों खटपट में हैं, दोनों के लिए गुर पारख रास्ता है। गुर पारख यानी गुरु का परख ज्ञान, वही रास्ता है। दोनों भी नहीं हों, दोनों दासातन करें, सेवक को नहीं फेर। साहब ने कहा सेवक को कोई चक्कर नहीं, सेवक बने, गृहस्थ सेवक बने, साधु सेवक बने, गुरु भी सेवक बने, सब सेवक बने, विनयी रहें, कोई परेशानी नहीं होगी, शीतलता रहेगी। भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, तो जो स्थिर है अपने पद में वो सब समय स्वदेश में है। आंखें खुली है, सब देख रहा है मानो नहीं देख रहा, सुन रहा है मानो नहीं सुन रहा है, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा। भगत लोग आते हैं चढ़ाते बजाते हैं, लगता है कुछ चढ़ रहा है कुछ नहीं चढ़ रहा, सब आया और गया, उधर आया उधर गया, कहाँ रह जाता है, किसके साथ क्या रहता है। जहाँ मन फंसाए बाहर, विदेश में गए भटके, और फिर मन नरक बनेगा। बाहर वाला केवल काम करो, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरय दो काम। ये सब व्यवहार की चीजें हैं, चिंतनी नहीं। सांसारिक काम व्यवहार के हैं, स्मरणी नहीं, चिंतनी नहीं। इनका काम कर लो, व्यवहार कर लो। जो भजनी है, मननी है, चिंतनी है, वह सद्गुण है, शांत है, आत्मस्थित है, जो सादा है, वहाँ और कुछ नहीं। शांत मिलती है जब हम दिमाग से सब कुछ हटा देते हैं, और जितना जितना हम अपने मन में जोड़ेंगे अहंकार, उतने उतना जलेंगे, बचेगा कोई नहीं। गुरु हो चाहे गृहस्थ हो, साधु हो, कोई भी हो, यहाँ अहंकार काम करता नहीं। ये सधुवाई काम नहीं करेगी और गृहस्थी काम नहीं करेगी। जो अहंकार से जितना जुड़ेगा जलेगा, जितना अहंकार खत्म करेगा उतना शीतल रहेगा। अपने उद्देश्य को हम समझें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है परम शीतलता, दुखहीन जीवन जीना, शांति में अखंड शांत, निर्भय शांत, जिसमें अशांति और दुख का नाम न हो, ऐसा जीवन जीना, ये जीवन का उद्देश्य है। ये उद्देश्य बनाना नहीं, परखना है। सभी आत्माएं दुखहीन होकर के रहना चाहती हैं, परख लें, परखने फुर्सत नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग कहते महाराज फुर्सत नहीं है। अच्छा है भैया, न फुर्सत रहे। 75 वर्ष के एक बूढ़े आए, हो गए 15 वर्ष, कुछ लोगों को दीक्षा दिलानी थी, दीक्षा दिलाए, कहे साहब जा रहा हूँ। मैंने कहा इन लोगों को जाने दो, तुम रहो दो चार दिन रह लो। सक पका गए। मैंने कहा क्या बात है। कहे साहब घर गृहस्थी मुझे संभालना पड़ता है। मैंने कहा घर में कितने लोग हैं। कहे 3 बच्चे हैं, 2 दुकान करता, 1 नौकरी में है, खेती में देखता हूँ। मैंने कहा कितनी उम्र है। कहे 75। हम कहे कब तक खेती देखोगे। कोई उत्तर नहीं। घर में रहे, खेती देखना चाहिए, बूढ़ों को भी देखना चाहिए, लेकिन घर संभाल रहे, अपने को नहीं संभाल रहे।
कब्र में चले जाएंगे, अपने को नहीं संभालेंगे। इतनी असावधानी है कि जीवन का उद्देश्य परखें कब, जब अकेले में बैठे सोचें। मैंने सुबह कहा था साधु संगत करो, रहनी और बोध संपन्न संतों की संगत करो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और उनसे खुराक मिले, अकेले में बैठ करके चिंतन करो, तब कुछ पता लगेगा कि जीवन में कितना कबाड़ है। साधक अपने कबाड़ को देखता है, सामान्य आदमी को कह दो तुम्हारे में कबाड़ है तो लाठी ले लेगा, और एक साधक से कह दो तुम्हारे में कबाड़ है वो विनम्र हो जाएगा। और जो निर्मल है उस अवस्था को प्राप्त है, उसको चाहे जो कहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो गुस्सा नहीं करेगा। वो तो अपने अधूरेपन में गुस्सा आता है। तो जीवन के उद्देश्य को हम परख ही नहीं पाते क्योंकि फुर्सत ही नहीं, उसके लिए अंतःकरण होना चाहिए। फुर्सत भी हो तो बकवास मन में आएगी, अंतःकरण वैसा हो, और वैसा अंतःकरण बनाने के लिए सबकी जरूरत है, सत्संग, स्वाध्याय, एकांत क्षण। हम सब विश्लेषण करें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और उसके तरफ चलें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप।